2023 के 75 दिन हुए हैं। मैं उन 75 डेज की ही बात आज करना चाहता हूं। इन 75 दिनों में देश का ऐतिहासिक ग्रीन बजट आया। इन 75 दिनों में कर्नाटका के शिवमोगा में एयरपोर्ट का लोकार्पण हुआ। इन 75 दिनों में मुंबई में मेट्रो रेल का अगला फेज शुरू हुआ। इन 75 दिनों में देश में दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज चला। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे शुरू हुआ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक सेक्शन शुरू किया गया। मुंबई से विशाखापट्टनम से वंदे भारत ट्रेनें चलनी शुरू हुई। आईआईटी धारवाड़ के परमानेंट कैंपस का लोकार्पण हुआ। भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों को परमवीर चक्र विजेताओं के नाम किया। साथियों, इन 75 दिनों में ही भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग करके E20 फ्यूल लॉन्च किया है। इन 75 दिनों में ही तुमकुरु में एशिया की सबसे बड़ी आधुनिक हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण हुआ है। एयर इंडिया ने दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन ऑर्डर दिया है। इन 75 दिनों में ही भारत ने ई संजीवनी के माध्यम से 10 करोड़ टेली कंसल्टेशन का मुकाम हासिल किया है। इन 75 दिनों में ही भारत ने 8 करोड़ नए टैप वाटर कनेक्शन देने का मुकाम हासिल किया है। इन 75 दिनों में ही यूपी उत्तराखंड में रेल नेटवर्क के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ है। साथियों, इन 75 दिनों में कुनो नेशनल पार्क में 12 चिताओं का नया बैच आया है। भारतीय महिला टीम ने अंडर-19 क्रिकेट में T20 वर्ल्ड कप जीता है। इन 75 दिनों में देश को 2 ऑस्कर जीतने की खुशी मिली है। साथियों, इन 75 दिनों में हजारों विदेशी डिप्लोमेट्स और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि G20 की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए भारत आए। इन 75 दिनों में G20 की 28 अहम बैठकें हुई हैं, यानी हर तीसरे दिन एक बैठक। इसी दौरान एनर्जी समिट हुई, आज ही ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस हुई है। हमने देखा, बेंगलुरु में हुए एयर इंडिया में हिस्सा लेने के लिए 100 से ज्यादा देश भारत आए। इन 75 दिनों में ही सिंगापुर के साथ यूपीआई लिंकेज की शुरुआत हुई। इन 75 दिनों में ही तुर्की की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया। अब से कुछ घंटे पहले ही भारत बांग्लादेश गैस पाइपलाइन का लोकार्पण हुआ। ये 75 दिनों की ही इतनी लंबी लिस्ट है कि समय कम पड़ जाएगा। और मैं 75 दिन की कुछ बातें इसलिए दिखा रहा हूं कि यही इंडिया मोमेंट का ही तो रिफ्लेक्शन है।